Hello, today we are going to study the chapter 2nd of class 12, Geography, the World Population, Distribution, Density and Growth, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। द कमेंट बाय जॉर्ज बी क्रेसी। द रिमार्क ऑफ अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस ओवर द अर्थ सरफेस। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एंड आउट ऑफ दीज 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। और इनमें से भी 6 देश एशिया में स्थित हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो देश जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। आउट ऑफ देम चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया आर इन एशिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। इट इज़ यूजुअली मेजर इन पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है और यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का जनसंख्या घनत्व। द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 200 पर्संस ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर are the northeastern part of USA, northwestern part of Europe, south, southeast and east Asia. The medium density populated regions are 11 to 50 persons per square kilometer. They are in western China, southern India, in Asia, Norway, Sweden. And the sparsely populated regions of the world with less than 1 person square kilometer are the north and south poles, the hot and the cold deserts and high rainfall zones near the equator. Here you can see in the map also, the darkest areas are the areas where the population density is more than 200. Lighter than the darkest areas are those areas which are medium densities, and the very light areas are of 11 to 50 population density, and the dotted areas are less than 1 population density in the world. Factors influencing the distribution of population. जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। There are 3 types of factors: geographical factors, economic factors, and socio and cultural factors. First, we talk about geographical factors, भौगोलिक कारक। Availability of water. People prefer to live in areas where fresh water is easily available, and it is because of this that river valleys are among the most densely populated areas of the world.
जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और नौसंचालन में भी किया जाता है। लैंडफॉर्म्स, भू आकृति, पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसका कारण ये है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसीलिए शुरू में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। क्लाइमेट, जलवायु, इन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच इज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। एरियाज विद अ कम्फर्टेबल क्लाइमेट वेयर देर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट्स हैव लो पॉपुलेशन। सॉइल्स, मृदाएँ, उपजाऊ मृदाएँ कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएँ गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक, मिनरल्स, खनिज। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड सिविक कम्युनिटीज एंड द अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ ड्रॉ पीपल टू द सिटीज। It leads to rural to urban migration and city grows in size. विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं और कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। द कोप ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स, सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए भी प्रोत्साहन देती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। इट कैन बी एक्सप्रेस ईदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। आइए हम इससे ज़रूरी से जुड़ी हुई जरूरी संकल्पनाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि। चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर. दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम. सो वी कैन फाउंड नेचुरल ग्रोथ बाय सब्ट्रैक्टिंग डेथ्स फ्रॉम बर्थ्स. किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं. प्राकृतिक वृद्धि निकालने के लिए हम जन्म दर से मृत्यु दर को घटा देते हैं. एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि. दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स एंड एट द डिफरेंस बिटवीन इन माइग्रेशन सब्ट्रैक्ट बाय आउट माइग्रेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम. ये वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि में जब जन्म और मृत्यु का अंतर और आप्रवास और उत्प्रवास का अंतर इसको जोड़ दिया जाता है. पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि. दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन. ये तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं. नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि. यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं. ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं. इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के घटक. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन. क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, CBR. द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ वीमेन. अशोधित जन्म दर को प्रति हज़ार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इट इज़ कैलकुलेटेड एज CBR इक्वल्स टू VI मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन. CBR मीन्स क्रूड बर्थ रेट, VI मीन्स लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर एंड P मीन्स मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट इज अ सिंपल मैथड ऑफ मेजरिंग मोर्टालिटी ऑफ एनी एरिया. अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है. CDR इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हज़ार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज CDR इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई 1000. CDR means crude death rate, D means number of deaths, P means estimated mid-year population of that year. Migration, when people move from one place to another is called migration. जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं या आते हैं तो उस स्थिति को प्रवास कहा जाता है. When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है. When people move from one place to another, the place they move to is called the place of destination. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जिस स्थान में आगमन करते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है. Migration may be permanent, temporary or seasonal. It may take place from rural to rural areas, rural to urban areas, urban to urban areas and urban to rural areas. प्रवास स्थायी हो सकता है, प्रवास अस्थायी या मौसमी भी हो सकता है. ये गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर भी हो सकता है. Immigration, migrants who move into a new place are called immigrants. Immigration, migrants who move out of a place are called emigrants.
प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है, और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, वे कारक जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू टू, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। पुश फैक्टर्स, द पुश फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर लेस रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, natural disasters, epidemics and socio-economic backwardness. These are push factors, pratikarsh karak. और अपकर्ष कारक होते हैं काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुँचने में जनसंख्या को शताब्दियाँ लगी हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। इट इज़ ग्रोन टू द साइज ओवर सेंचुरीज। इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स दैट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। हियर इन दिस डायग्राम, ये चित्र हमको बताता है कि 8000 से 12000 पहले कृषि का उद्भव और व आरंभ के बाद जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, और अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए भी मंच प्रदान किया। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड। दिस इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इनोकुलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन कंट्रीब्यूटेड टू अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया है। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन to attain the 1 billion mark, but it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. विश्व जनसंख्या के दो गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, लेकिन इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो ये बताती है कि विश्व जनसंख्या के दो गुना होने की अवधि अब तेजी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दो गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दो गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं।
जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स इन परसेंटेज। द कंट्रीज विच हैव हाई ग्रोथ रेट्स आर लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरबिया एंड ओमान। एंड द कंट्रीज हु हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर लाटविया, एस्टोनिया, रशिया, यूक्रेन, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोर्टुगल, स्पेन, इटली एंड डेनमार्क हैव जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। There is a negative correlation between economic development and population growth. जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। The annual rate of population change seems to be low. It is because when a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होता है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोस ईच ईयर। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मे हैव इंक्रीज एज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्पवृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। एंड द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द इम्पॉर्टेंट एंड द सीरियस प्रॉब्लम। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड द पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। ये इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। द डेडली HIV और AIDS एपिडेमिक्स इन अफ्रीका इन सम पार्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड एशिया हैव पुश्ड अप डेथ रेट्स एंड रिड्यूस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एड्स और HIV एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.64%. Some developed countries will take 318 years to double their population, whereas some countries still do not show symptoms of doubling their population. Demographic transition. Janankikya Sankraman. Demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of any area. जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। नाउ द थ्री स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था। इन दिस स्टेज देयर इज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टैलिटी।
The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture. Life expectancy is low. People are mostly illiterate and have low levels of technology. ये हमारी पहली अवस्था है जिसमें हम देख रहे हैं कि उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्युता है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी गति में होती है और अधिकांश लोग खेती में लगे हुए हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है और 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था। फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग बट इट डिक्लाइंस विथ टाइम। दिस इज द सेकेंड स्टेज। दिस इज अकम्पेनियड बाय रिड्यूस मोर्टैलिटी रेट। ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्युता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग जो है वो उच्च होता है। थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था, एंड वी कैन से दैट अंतिम अवस्था। इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती हैं। द पॉपुलेशन इज इधर स्टेबल और ग्रो स्लोली। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है और उसके पास तकनीकी ज्ञान भी होता है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज लिटरेट एंड हैज टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। तो इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनसंख्या संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि आज भी कौन सा देश ऐसा है जो जननांक के संक्रमण की किस अवस्था में रह रहा है। तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं तो इस अवस्था में कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हैं। दूसरी अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केनिया जैसे देश हैं और पहली अवस्था में आज भी बांग्लादेश, वर्षावनों के जो आदिवासी हैं वो आज भी पहली अवस्था में ही हैं। नाउ सम मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना और उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रोपेगेंडा, प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। थॉमस माल्थस थ्योरी, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा, जो कि उन्होंने 1798 में प्रोपाउंड किया, ही स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। कि लोगों की खाद्य के लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। दैट्स ऑल योर चैप्टर। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।